सो हेलो गाइज, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो फाइनली गाइज, जो इतने टाइम से वीडियो अवेटेड था कि यार मनीष भाई अपना ऑफिस टूर करो, थोड़े से जर्नी के बारे में बताओ, हर एक चीज आज मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ गाइज। ये ऑफिस के पीछे का स्टोरी बहुत ही ज्यादा प्यारा है गाइज। लास्ट 3 या 4 साल मैंने ट्राई किया, लास्ट 3-4 साल से अपन मेहनत कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट हो सकता है कि लास्ट नवंबर में मैंने जाके ये ऑफिस को लिया, जब मुझे लगा कि हाँ यार अब जरूरत है। हर एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा कि यार मैं बहुत वास्तु को ही फॉलो करता हूँ, क्या वास्तु के हिसाब से मैंने अपने ट्रेडिंग सेटअप रखा है, क्या क्या मेरा दूसरा काम है, उसका भी थोड़ा सा एक आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, चलो अब आपको लेके चलता हूं ऑफिस के अंदर और पूरा कंप्लीट टूर देता हूं। चलो आ जाओ। सो गाइस, ऑफिस के अंदर घुसते साथ ही आपको दिखेगा ये एक स्पेशियस हॉल, और इस स्पेशियस हॉल में आपको दिखेगा 3 कैबिन। कैबिन नंबर 1, जहां पे मेरा पूरा आईटी रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी काम है वो इस कैबिन से चलता है। दूसरा कैबिन दिखेगा यार, जिसका वीडियो देखने के लिए आप लोग आए हो, मेरा स्टॉक मार्केट का स्पेस, मेरा ट्रेडिंग स्पेस, इसका टूर आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। और ये आपको तीसरा कैबिन दिखता होगा, ये थोड़ा पर्सनल कैबिन है, जहां पे बैठ के अपन जो भी डील वगैरह होता है, मेरा जो तीसरा काम चलता है वो काम भी मैं आपको बताऊंगा, उसके रिलेटेड इसमें बात होता है। तीनों कैबिन का ना अगर आप देखोगे ना, इंटीरियर काफी ज्यादा अलग है, तीनों कैबिन का वाइब्स काफी ज्यादा अलग है, तीनों आप जब अंदर घुसोगे तो आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको थोड़ा एक हॉल टूर दे देता हूं। यहाँ पे आप देखोगे गाइस, गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, साथ में हनुमान जी को काफी ज्यादा मानता हूं, तो हनुमान जी का आपको मूर्ति देखने को मिलेगा। अब करते हैं इनका पूजा और फिर स्टार्ट करते हैं ऑफिस टूर। सो हॉल के इस तरफ आप लोगों ने देख लिया कि तीनों कैबिन है, इस तरफ है हमारा स्पेस जहां पे मैं बैठता हूं अपने टीम के साथ। आप देखो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, कोई भी डिस्कशन करना होता है ना, ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे डिस्कशन होता है। अभी भी अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देखोगे, एक ऐप के बारे में डिस्कशन चल रहा है, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पे सोफा है भाई, कोई आया तो वेट करने का हो तो यहाँ पे वेट कर लेता है, या फिर अगर कभी हम लोगों को ही बैठ के डिस्कस करना हो तो बैठ के अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो यहां से अब आगे चलते हैं गाइस, चलते हैं हमारे कैबिन नंबर 1 के तरफ। सबसे पहले कैबिन नंबर 1 क्यों दिखला रहा हूं, क्योंकि यहीं से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, इसी काम से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कैबिन नंबर 1 में अगर आप अंदर घुसोगे, ठीक है, ये कैबिन है मेरे फ्रेंड हर्ष का, जो मेरे साथ काम करता है। घुसते साथ आपको क्या दिखेगा, हमारे महाराज जी दिखेंगे आपको, साथ ही साथ कृष्ण भगवान और अर्जुन जी, जो सबसे बेस्ट हिंदू धर्म का ज्ञान है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे घुसते साथ अगर आप देखोगे, एक छोटा सा टेबल है, ठीक है, पीछे आपको देखने को मिलेगा, मुझे पता नहीं है कि ये लैपटॉप हर्ष ने इधर क्यों रख रखा है। ठीक है, हर्ष भाई यहाँ बैठ के काम करते हैं। अब यहाँ क्या काम चलता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्यों ये कैबिन को हम लोगों ने ज्यादा स्पेशियस नहीं रखा। सिंपल चीज है भाई, यहाँ पे ना बैठ के खाली कॉलिंग का काम चलता है। यूएस में हम लोग बात करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, उनका रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट का काम रहता है वो सब किया जाता है। इस रूम को अगर आप देखोगे ना, तो एक कंप्लीट साउंड प्रूफ रूम बनाया गया है, इसी के लिए यहाँ पे आपको ज्यादा सामान देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे कल को बैठ के अगर हर्ष बात कर रहा है, मीटिंग ले रहा है, तो हर्ष का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या था कि भाई मेरे को बाहर का नॉइस से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप देखते हो मेरा वॉइस काफी ज्यादा है, अगर मैं बगल कैबिन में वीडियो बना रहा हूं या फिर हॉल में कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो हर्ष यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, ये उस हॉल का कैबिन है। अब यहाँ का मैं सबसे पहले आपको एक वास्तु दिखलाता हूं, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे, जहां पे हर्ष बैठता है सेम उसके डायरेक्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा घोड़ा का नाल, अपन बोलते हैं। कमेंट करके बताना कि क्या यूज में आता है घोड़ा का नाल, जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता होगा उसको पता है क्या चीज में काम आता है। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन से बैठ के क्यों काम करते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है ये डायरेक्शन में बैठ के काम करना। क्या है ये डायरेक्शन, आप एक बार कमेंट करके बताना, मैं आपको दूसरे कैबिन का जब टूर कराऊंगा ना, वहां पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं कैबिन नंबर 3 और कैबिन नंबर 2 का देखने। बट आप अगर जितने भी कैबिन को देखोगे ना गाइस, हर कैबिन में ना यार छोटा मोटा कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का पार्ट, डायरेक्शन का पार्ट, कौन से डायरेक्शन में बैठ के काम करना चाहिए, मैं इन सब पे बिलीव करता हूं, तो मैंने हर चीज को काफी बारीक वे में रख रखा है। मैं आपको बताता हूं, पहले चलो कैबिन नंबर 3 का मैं आपको टूर दिखलाता हूं, फिर 2 का दिखलाऊंगा। ठीक है, सो गाइस, ये है हमारा कैबिन नंबर 3, जहां पे हम लोगों का दूसरा काम चलता है ट्रेडिंग के अलावा। मैं आपको अभी अंदर लेके चलूंगा और डिटेल में बताऊंगा क्या काम चलता है। सो गाइस, ऑफिस में घुसते साथ सबसे पहला जो आपको चीज नोटिस होगा ना यहाँ पे, वो है ये सोफा। ठीक है, कल को अगर आप भी कोई भी काम करोगे ना, आपको पता चलेगा कि यार ये सोफा को यहाँ पे रखने का पर्पस क्या है। मैं आपको अभी थोड़ा चलो आगे पूरा ये कैबिन का टूर देता हूँ, फिर आपको ये सोफा का भी पर्पस बताता हूँ। ठीक है, अब सोफा से उठते साथ सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ये एक चेयर आपको दिखेगा। ठीक है, ये मैं गेमिंग चेयर पे काम करता हूँ यार, क्योंकि कंफर्टेबल है, हर चीज में अपने अकॉर्डिंग इसका लेंथ जो एडजस्ट करना हो कर सकता हूँ, ये लेंथ एडजस्ट करना है कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ, साथ ही साथ जो मेरे दूसरे पार्टनर है आयुष भैया, वो कभी कभी यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे सामने फ्रंट में भी मैंने सिटिंग स्पेस बना रखा है, बट उसके बावजूद मुझे यहाँ पे सोफा क्यों देना पड़ा, जानते हो क्या होता है,
क्योंकि ना इस कैबिन में चलते हैं भाई रियल इस्टेट से रिलेटेड काम, ठीक है, रियल इस्टेट से रिलेटेड काम, साथ ही साथ थोड़ा फाइनेंसिंग का काम चलता है। तो जो लोग आपसे मिलने आते हैं ना, वो कभी आपके फ्रंट में बैठ के बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप उनके लिए सुपीरियर हो, आपको भी उनको इज्जत देना पड़ता है। तो इसी के लिए सोफा यहाँ पे रखा गया था, जहाँ पे लोग जो भी आते हैं मिलने वगैरह जो आते हैं वो इस सोफा पे बैठते हैं, अपन फिर इस फेस को करके उनसे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, टेबल एकदम सिंपल रखा हुआ है, थोड़ा सा ये तीन आउल रखा गया है, ये भी वास्तु के हिसाब से काफी अच्छा होता है। साथ में हमारे उज्जैन महाकाल जी के दर्शन अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, उनका एक फोटो रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो फाइल्स दिखता होगा ना, आप देख सकते हो खाली अलग अलग कंपनीज से रिलेटेड फाइल है, मैं काफी इन्वेस्ट भी करता हूँ तो उनसे रिलेटेड फाइल्स है, रियल इस्टेट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होता है वो है। और ये आप देखो एक लैपटॉप भी ऐसे फाइल्स में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है तो इस लैपटॉप में रखे रहता है, और कुछ कुछ रिज्यूमे आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी थोड़ा हायरिंग चल रहा था उससे रिलेटेड ये रिज्यूमे है कुछ कुछ, ठीक है। चलो गाइज, अब ये हो गया एक और कैबिन का टूर, जो थोड़ा पर्सनल स्पेस था जहाँ पे मीटिंग वगैरह होता है रियल इस्टेट से रिलेटेड। मेरा एक दूसरा काम है रियल इस्टेट और फाइनेंसिंग से रिलेटेड, रियल इस्टेट रिलेटेड, ठीक है। अब बाहर निकलते हैं, अब बात करते हैं जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो ज्वाइन किया है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रेडिंग स्पेस, ठीक है, बहुत ही प्यार से गाइस मैंने ये स्पेस को बनाया है। लास्ट काफी टाइम से ट्रेडिंग करते 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 एक स्पेस का जरूरत था यार, वो स्पेस फाइनली मिला। एक होता है ना, हर किसी का सपना होता है कि यार मेरा अपना ड्रीम स्पेस हो, ड्रीम ऑफिस हो, मेरा काफी टाइम से सपना था। और YouTube पे काम करते करते, खुद के ऊपर काम करते करते फाइनली जाके ये सपना पूरा हुआ है। मैं आपको चलो उसका दर्शन कराता हूँ, उस स्पेस को दिखलाता हूँ। ये है मेरा पर्सनल फेवरेट स्पेस, जहां से आपका भैया बैठ के ट्रेडिंग करता है, YouTube पे वीडियो बनाते हैं, क्लासेस लेते हैं, साथ ही साथ लाइफ को बिल्डअप करते हैं। अगर आप इस स्पेस को देखियोगे ना, ये है मेरा सबसे पहले चेयर, ठीक है। आप देखो सबसे पहले ये चेयर आपको देखने को मिलेगा, अगेन एक गेमिंग चेयर है जो कि मैं पूरा हर चीज एडजस्ट कर सकता हूँ। थोड़ा सा आपका भैया का हाइट ज्यादा है, कई बार ये एडजस्ट करना हो, मैग्नेटिक ये एडजस्ट कर सकता हूँ। मन किया कई बार ट्रेडिंग करके थक गए, वीडियो देख के थक गए, तो ऐसे इसको चेयर को नीचे करके आराम से सो भी सकते हैं अपन, ठीक है। इसको ऊपर कर लेता हूँ अभी, ठीक है। बहुत यार यहाँ पे ना मैंने एक एक बारीक बारीक चीज पे ध्यान दिया है, वास्तु वाइज क्या है, बेस्ट एंगल क्या है भाई मेरे लिए, साथ ही साथ एक एक बारीक बारीक चीज। आप देखोगे पेड़ को सही जगह पे लगाया गया है, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू मेरे को गिफ्ट्स मिला है, या फिर जो मेरा सिल्वर प्ले बटन है उसको मैंने अपने टेबल पे रखा है। क्या सोच के रखा गया है, हर एक चीज बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा टेबल का लुक दे दूं आपको। ये टेबल है, आपको पूरा क्लीन टेबल दिखेगा, सो डेट लोग आए तो मेरे सामने बैठ के, बहुत बार स्टूडेंट मिलने आते हैं, बहुत बार लोग चाहते हैं कि मनीष भाई मैं आपसे मिल पाऊं, तो लोग आते हैं तो लोग यहाँ सामने बैठते हैं। बस साथ में यार तीन चार कॉपी दिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा आईपीओ लाने वाला एक कंपनी का आने वाले टाइम में, आपको उसका भी थोड़ा नॉलेज होगा, उसके ऊपर थोड़ा स्टडी कर रहा था, वो ये मटेरियल है, ठीक है। ये सबसे पतला कॉपी है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रिप्टिंग वगैरह करना पड़ता है, यूट्यूब का काम करता हूँ तो ये कभी काल लिख लेता हूँ, हिसाब करना होता है तो इसमें कर लेता हूँ, ठीक है। ये डायरी है कि यार आगे क्या प्लान है उसके ऊपर, ठीक है। ये डायरी है कि जो मेरा लाइफ का प्रॉब्लम्स वगैरह होता है यार, थोड़ा एफर्मेशन होता है, इस डायरी में मैं लिखता हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखलाऊ ना, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट मेंशन करके रखा था, टॉप 10 गोल्स टू अचीव, ज्यादा डिटेल में नहीं दिखलाऊंगा, ठीक है, ये गोल है। साथ में ये डायरी है जहां पे मैं अपना ट्रेडिंग रिलेटेड जनरल लिखने का काम करूंगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको ये पैड देखने को मिलेगा, द अल्टीमेट ट्रेडर करके, ये पैड का मैं यूज नहीं करता हूं, बस मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था तो मैं टेबल पे रख लेता हूं, अच्छा लगता है इसी के लिए रख लेता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लोग ये चीज देखो, ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्पेस है, मैंने काफी अच्छे से रख रखा है। सबसे पहले आपको दिखेगा मेरी रानी सिल्वर प्ले बटन, बगल में मेरे एक स्टूडेंट ने मेरा पोर्ट्रेट बनाया था, वो आपको पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा। साथ में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये क्या है, जो भी मैं रिंग्स पहनता हूं ना वो रिंग्स यहाँ पे रखे रहता है, ठीक है। कई बार आता हूँ गर्मी लगता है भाई तो रिंग्स उतार के रख देता हूँ, क्योंकि रिंग्स वगैरह सोना वगैरह पहनने का काफी शौक है। आपको ये भी पता होगा कि क्यों शौक है, अगर आप में से कोई पुराना फॉलो करता होगा ना आपको पता होगा, क्योंकि लाइफ में ग्रो करने के लिए ना मैंने अपने घर से खाली सोना को जाते हुए देखा है। जब पढ़ रहा था फीस देना है, सोना बेचना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। अब जब कमाता हूँ भाई, अपने से कमाता हूँ तो खरीद के पहनना बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज आपको दिखेगा ये पेड़, ठीक है, ये 7 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, किसी स्पेशल ने मुझे गिफ्ट किया था तो ये हमेशा मेरे पास यहाँ पे रखे रहता है। ये आपको दिखेगा छोटा सा सेंट का परफ्यूम, भाई सेंट काफी इंपॉर्टेंट जो होता है ना, खुशबू काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको दिखेगा ये दिखेगा। साथ में आपको ये थोड़ा सा इतर का बोतल दिखेगा, ये भी मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, वो भी आपको यहाँ पे रखा हुआ दिखेगा।
अगर आपका स्पेस है ना जितना अच्छा खुशबू करेगा आप उतना ज्यादा लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। लक्ष्मी जी को ना सबसे ज्यादा पसंद अगर कुछ है ना तो बोला जाता है खुशबू पसंद है। न्यूमरोलॉजी वाइज भी ना नंबर 6 को बोला जाता है लक्ष्मी जी का नंबर। जितना लग्जरी जो आप लेते हो ना वो नंबर 6 से आता है और नंबर 6 को सबसे ज्यादा पसंद होता है खुशबू। इसीलिए आपको मेरा कैबिन हमेशा खुशबू में दिखेगा, ठीक है। बगल में ये बैम्बू ट्री है, आपको पता है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। जितना ये पेड़ बढ़ता है बोला जाता है उतना आपका ग्रोथ होता है। और सामने मेरा पर्सनल फेवरेट मेरा सेड़ा, ठीक है, जो किंग को रिप्रेजेंट करता है वो सेड़ा आपको दिखेगा, ठीक है। और यहां पे इस डायरेक्शन से करता हूं मैं ट्रेडिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे मनीष भाई इतना बड़ा टेबल है आप उसके बावजूद मॉनिटर को यहां पे क्यों रखे हो, आप उसके बावजूद अपना लैपटॉप को यहां पे क्यों रखे हो, लैपटॉप का पैड भी तो यहां पे है। बट मैं आपको बता देता हूं गाइस, मैं थोड़ा सा वास्तु को फॉलो करता हूं, ठीक है। आप देखोगे ना जितने भी लीडर्स इस ऑफिस में बैठते हैं, मान लो इस कैबिन में आप देखो डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखा हो, हर्ष का कैबिन में आपने देखा होगा इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है, बगल वाला जो इसके सामने जो कैबिन था उसमें भी अगर आपने डायरेक्शन देखा होगा तो इसी डायरेक्शन से रखा है। अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है गाइस साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, बेस्ट डायरेक्शन मैं मानता हूं सक्सेस के लिए। ईस्ट तो होना ही चाहिए और साउथ ईस्ट स्टॉक मार्केट के लिए बेस्ट होता है। इसी के लिए आप देखो मॉनिटर को मैंने इस डायरेक्शन में डाल के रखा है। यहाँ पे 32 इंच का मॉनिटर दिखेगा आपको, यहाँ पे लैपटॉप दिखेगा, साथ में मैं एक और मॉनिटर यूज करता हूँ 74 इंच का, एक बड़ा स्क्रीन यूज करता हूँ। कई बार ऑप्शन चेंज देखना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है या फिर कोई न्यूज वगैरह देखना होता है तो मैं उस स्क्रीन में लगाता हूँ। पहले यहाँ का आपको पर्पस बताता हूँ। आप देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखता होगा, इस स्क्रीन का पर्पस क्या है, सिंपल पर्पस है भाई। अब मान लो वीक में आपका 5 दिन होता है ट्रेडिंग का, उसमें 4 दिन तो एक्सपायरी होता है। मंडे को कुछ नहीं होता है, ट्यूजडे को फिन निफ्टी एक्सपायरी, वेनेसडे को आपका मिड कैप का एक्सपायरी, थर्सडे को आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, फ्राइडे को किसका एक्सपायरी होता है आपको पता है क्या, कमेंट करके बताओ अगर पता है तो। फ्राइडे को होता है सेंसेक्स का एक्सपायरी। अगर आप देखोगे मैं यूजुअली एक्सपायरी में बहुत एक्टिव रहता हूं क्योंकि आपको पता है मेरा आउट ऑफ द मनी पे एक्सपर्टीज हासिल है। आउट ऑफ द मनी में जो भी काम करना रहता है उसका चार्ट यहां पे खुले रहता है, उस पर मैं देखते रहता हूं, उस पर मैं काम करते रहता हूं। आप अगर स्क्रीन पे देखोगे मेरा खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है, मैं आजकल इसी पे पूरा काम कर रहा हूं लास्ट 6 महीने से। साथ ही साथ अगर मैं आपको एक छोटा मोटा आइडिया दूं तो अब ये लैपटॉप से ही मेरा ये मॉनिटर कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब यहां पे मुझे जो भी करना होता है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पे, जैसे मान लो मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, कुछ भी करना होता है तो मैं यहां से, जैसे मान लो मुझे ये बैंक निफ्टी करना है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर लेता हूं, देख लेता हूं। अब दूसरा चीज ऑर्डर वगैरह कैसे पंच करता हूं, ये आईपैड का स्क्रीन है, ठीक है। यहां से मेरा ऑर्डर पंचिंग का काम चलता है, मैं मार्केट डेप्थ को देखता हूं, मैं थोड़ा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करता हूं तो यहां पे ये काम आ जाता है। साथ में जो भी और 2-3 अकाउंट में ऑर्डर पंच करना था हर कुछ मैं फोन से करता हूं, ठीक है। ये रहा पूरा ट्रेडिंग स्क्रीन का व्यू। अब सबसे एक स्पेशल चीज आपको दिखाता हूं गाइस, लाइफ में क्या आपको चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, तो वो लिखा हुआ है इस आप देख सकते हो स्टिकी नोट के पास, स्टिकी नोट रहता है जो भी मेरे को गोल अचीव करना है, जो दिमाग में फटाक से रखता हूं, लिखता हूं, खोलता हूं, यहां पे चिपका देता हूं। आप देखो अभी ना मैंने हाल फिलहाल में सोचा है कि इस वीक से मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहूंगा, तो देखो इंस्टाग्राम स्टोरी अपडेट, मेरा गोल है ट्रेडिंग से 1 करोड़ का 1 दिन में प्रॉफिट बनाने का, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। नीचे मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे 1 मिलियन का, उसके नीचे कुछ एक पर्पस है, इंदौर में रह रहा हूँ काफी टाइम से तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है वो मैंने डाल रखा है, ठीक है। माँ बाप खुश तो दुनिया खुश, आप खुश सब कुछ खुश। ये पूरा हो गया मेरा ट्रेडिंग डायरेक्शन। और थोड़ा सा पीछे हट के मैं आपको यहाँ पे दिखलाना चाहूँ कुछ रिवॉर्ड्स है, ठीक है। आपके भैया को काफी प्यार मिलता है काफी स्टूडेंट्स के कारण, तो वो रिवॉर्ड है यहाँ पे। और कुछ बुक्स है, जो भी बुक्स मैं पढ़ते रहता हूँ ना वो बुक्स यहाँ पे रखे रहती है, ठीक है। यूजुअली ये 2 बुक पे मेरा थोड़ा ध्यान है तो अभी ये 2 बुक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा इस एंगल से, ठीक है। इस एंगल में मैं अगर आपको दिखलाऊं, इस एंगल में क्या है, सबसे पहले आपको दिखेगा पाम ट्री, सबसे अच्छा मुझे पर्सनली ये ट्री लगता है। क्यों? क्योंकि काफी भरपूर है भाई, ऑक्सीजन का सिलेंडर जैसा ये पेड़ है, ठीक है। आप बैठे रहते हो, जितना आपको ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज्यादा दिमाग काम करेगा। और यहाँ पे मेरा प्यारा द चार्टिस्ट का लोगो है, ठीक है। लोगो के साथ साथ आपको हमारे महाकाल जी का यहाँ पे आपको एक बोला जाता है ना ये चुन्नी टाइप का देखने को मिलेगा। ये मैं उज्जैन महाकाल गया था ना तो वहां से गौरव भैया एक मेरे दोस्त है उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे लेके आए थे तो मैंने यहाँ पे उनको टांग दिया है, ठीक है। सो दैट महाकाल जी का भी आशीर्वाद डायरेक्टली ऊपर से अपने पास पड़ते रहे, ठीक है। तो चलो गाइस ये तो हुआ पूरा इस तरफ का बात। अब आपको लेके चलता हूं सामने की तरफ जहां पे प्रेजेंट है हमारा 74 इंच का स्क्रीन और क्या क्या प्रेजेंट है हर एक चीज बताता हूं। चलो सामने की तरफ यहाँ पे दूसरे तरफ ऑफिस के जस्ट फ्रंट में अगर आप आओगे ना आपको दिखेगा ये एक बड़ा सा स्क्रीन, ठीक है। काफी बड़ा है, आप देख सकते हो भाई मेरे हाथ के साइज का है, ठीक है। ऑलमोस्ट 74 इंच का ये स्क्रीन है। स्क्रीन को रखा गया स्टैंड पे, क्यों स्टैंड पे रखा गया, मान लो अगर मुझे इसको मूव करके हॉल में निकालना हो मैं निकाल लेता हूं, कभी मन करता है बाहर निकालने का, बाहर का तो अभी तक मैंने आपको लुक नहीं दिखलाया, वो भी दिखलाऊंगा, बाहर निकालने का अपन बाहर निकाल सकते हैं। अब स्क्रीन का पर्पस क्या है, सबसे पहला पर्पस भाई मुझे बहुत शौक है, आपके भाई के अंदर बहुत एनर्जी है
तो मैं पढ़ाता हूँ ना, पहले मैं बैठ के पढ़ाता तो मुझे मजा नहीं आता है, तो मैं यार मूव कर सकूं, पढ़ाते पढ़ाते डांस कर सकूं, जो करना है कर सकूं, उसके लिए मैंने ये किया है। यहाँ पे मान लो मुझे जो करना है, मान लो मुझे ITC पे मार्क करना है, मैं ऐसे मार्क करके बता सकता हूँ कि ITC 0.84% बढ़ा, विप्रो फिर भी गिरा। ये चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है। दूसरा पर्पस हो जाता है कि इसी स्क्रीन पे मैं कई बार ऑप्शन चेंज बहुत कम देखता हूँ, बट खोल के देखता हूँ तो देख लेता हूँ, या तो YouTube पे कोई न्यूज वगैरह अगर मेरे को देखना रहता है, कोई ऐसे स्टॉक्स होते हैं, मैं IPOs पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ कुछ न्यूज होता है जो कि मुझे ट्रैक करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे उस स्क्रीन पे लगा के देखते रहता हूँ, चलते रहता है न्यूज वगैरह, और मैं वहां पे अपना बैठ के काम करते रहता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस पूरे ऑफिस के सबसे फेवरेट जगह पे, जो मेरे पूरे एम्प्लॉय का फेवरेट जगह है, मेरे टीममेट्स का फेवरेट जगह है, बाहर की तरफ। ठीक है, इसी कैबिन से कनेक्टेड है। सो गाइस, देख सकते हो कैबिन से जस्ट कनेक्टेड ये स्पेस, ये काफी ज्यादा स्पेसियस, टेरेस बोल दो, जो बोल दो, कुछ भी बोलना है बोल दो, ये स्पेस है। ठीक है, आपके भाई को काफी ज्यादा शौक है पेड़ लगाने का, आप देख सकते हो काफी सारा पेड़ लगा हुआ है, गर्मी का सीजन है, पेड़ अभी आप देख सकते हो, पतझड़ का मौसम बोल दो, पेड़ का पत्ता भी डल है। ठीक है, यहाँ पे एरिया है जहाँ पे शाम में बैठना होता है टीम के साथ, या फिर कोई गेस्ट आता है शाम में बैठना होता है, बहुत शार्प माहौल रहता है, बहुत प्यारा माहौल रहता है। हो सके तो मैं कोई वीडियो यहाँ पे क्लिप अपडेट कर दूंगा शाम का, बैठ के यहाँ पे जो करना रहता है अपन इंजॉय करते हैं, कभी कभी यहीं पे बैठ के काम करते हैं। ठीक है, सो गाइज, अब दसी टेरिस में आ गया, आओगे काफी स्पेशियस है भाई, मन करता है अपन कभी कभी यहीं पे कुछ भी खेल भी लेते हैं। ऊपर देखो आपको एक ग्रिल सब देख लगा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे ना आपको स्पेस दिखेगा, यहाँ पे भी काफी सारा पेड़ लगा है। ठीक है, इस पेड़ को भाई कुबेर का पेड़ बोलते हैं। अब देखो कुबेर जी कब आते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं कि यार एक फाउंटेन लगा लेने का, सो दैट अच्छा लगे, थोड़ा सुकून सा लगे। ठीक है, अगर आप आओगे ना, देखो गाइस ये टेरिस का एरिया हो गया, कैबिन नंबर 3 से भी कनेक्टेड, 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है। थोड़ा आप आगे आओ, थोड़ा सा आप आगे आओ, आपको एक और चीज दिखेगा, आपको दिखेगा ना यहाँ पे एक और स्पेसियस स्पेस है। ठीक है, ये भी आपका एक कैबिन है जो कि ऊपर आपको सेट दिखेगा। कई बार होता है ना कि अभी देखो बाहर थे अपन, गर्मी का मौसम था, यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, इतना ज्यादा सुकून मिलता है ना, जब आपको फील नहीं होता यार, इतना तेज हवा भी चल रहा ना, बहुत सुकून होता है। देखो पेड़ आपको हिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप आओगे ना, आपको दिखेगा कि यहाँ से एक और स्पेस है जो कि डायरेक्टली हम लोग का हॉल से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे फिर वापस अपन हॉल में घुस जाते हैं। हॉल में आप आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आपको दिख गया अगेन ये हमारा पूरा हॉल, देख लो। फिर से आपको दिखला देता हूँ तीनों कैबिन, कैबिन नंबर यहाँ पे जहाँ पे रियल इस्टेट का हमारा काम चलता है, देख सकते हो गाइस कितना हवा चल रहा है, वहां से भी मेरे को हवा आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिंग का काम चलता है, और यहाँ पे जो हमारे हर्ष भाई बैठते हैं, जो डेवलपमेंट वगैरह रिलेटेड काम चलता है, वो यहाँ पे काम होता है। अब मन में क्वेश्चन रहता होगा, सर टीम और कहाँ बैठता है, आओ वो भी दिखला दूं आपको। यहाँ पे आप दसी आओगे ना, आप जैसे यहाँ पे अंदर आओगे ना, यहाँ पे टीम बैठता है, कितने लोग बैठते हैं यहाँ पे, बस 2 लोग बैठते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग वगैरह रिलेटेड जो काम रहता है, मान लो कई बार रियल इस्टेट का काम हुआ, किसका पैसा कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, या फिर कोई एडिटर वगैरह हो, जो एक्स्ट्रा एडिटर आ जाते हैं टीम में, अगर उनको इन ऑफिस करना हो तो वो यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बाहर ओपन विंडो का व्यू है, साथ ही साथ जितना फाइल्स वगैरह रखना रहता है वो यहाँ पे रखे रहता है, और कुछ एक्स्ट्रा सामान मुझे रखना रहता है, मान लो आपको दिखता होगा, ये देखो गेमिंग पैड यहाँ पे रखा हुआ है, जिसपे रख के माउस वाउस चलाते हैं, एक एक्स्ट्रा लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है, वो यहाँ पे रखा है, और मैं अगर आपको दिखलाऊं ना, इसके अंदर भी बहुत सारा आपको दिखेगा, ये देखो कितना सारा कीबोर्ड, कितना सारा सीपीयू वगैरह दिखेगा, क्योंकि पहले हम लोगों का ना डेवलपमेंट का काम इन ऑफिस चलता था। अब जब से वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया ना, तो मैंने खुद सबको बोल दिया भाई अपन बाहर क्या घर से बैठ के काम करो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल घट गया रहता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सामने आपको आगे पीछे की तरफ वॉशरूम दिखेगा, बट उसको दिखला के कोई फायदा नहीं है, अपन चलते हैं बाहर की तरफ, अब बैठ के कुछ बात करते हैं। सो देखो गाइज, होपफुली अभी अगर आप मुझे देख रहे हो, आपने ये पूरा ऑफिस टूर देखा होगा, और होपफुली आपने ये पूरा ऑफिस टूर एंजॉय किया होगा गाइज। बट एक चीज बोलूंगा यार, कि ऐसा नहीं कि ये रातों रात बन गया है। ठीक है, मैं लास्ट कितने साल से काम कर रहा हूँ, अभी मेरा एज चल रहा है 23 चल रहा है। ठीक है, लास्ट मैं ऑलमोस्ट मेरा कॉलेज अभी इसी साल मेरा ना लास्ट ईयर मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा हुआ, अभी मैं खुद मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने आगे खुद फाइनेंस में भी MBA फाइनेंस में भी एडमिशन लिया है, और लास्ट यार 6-7 साल हो गया यार मैं स्टार्टअप फील्ड में हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में हूँ, स्टॉक मार्केट में लास्ट 5 साल से हूँ, काफी अलग अलग चीज में काम कर रहा हूँ गाइस, तब जाके ना यार ये पूरा ड्रीम पूरा हो पाया है। आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट 3 साल तो मैंने प्लान किया था, लास्ट 3 साल से मैं सोचता था कि मेरा ऑफिस होगा, मेरा ऑफिस होगा, मेरा ऑफिस होगा, मेरा स्टार्टिंग से आते थे मैं ऐसे लिखता था ना, तो मैं हर बार मेरा सबसे पहला गोल किया है, हर बार मैं साल के पहले गोल लिख देता था कि यार मेरे पास ऑफिस चाहिए। ठीक है, अब इस ऑफिस तक कैसे कैसे क्या क्या स्टेप से पहुंचा, अगर वो बोलने लग जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, बहुत चीजें मैंने ट्राई किया गाइस, आपको लगता होगा मैं खाली ट्रेडिंग करता हूं, मैं खाली ट्रेडिंग नहीं करता हूं गाइस, ट्रेडिंग के साथ साथ आपको पता है बहुत अलग अलग बिजनेसेस में इन्वॉल्व हूं,
मैं लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा आईपीओस पे काम कर रहा हूँ, मैं खुद के कंपनीज पे काम कर रहा हूँ, खुद के स्टार्टअप्स पे काम कर रहा हूँ, डेवलपमेंट का काम चलता है, रियल एस्टेट का बिजनेस मैं लास्ट ईयर मैंने यूट्यूब पे बोला था मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और इस साल मैं उसको भी बहुत एक्टिवली काम कर रहा हूँ, उस पर भी बहुत एक्टिवली काम कर रहा हूँ। फाइनेंसेस, मैं यार फाइनेंसेस मतलब मान करके चलो, क्या फाइनेंस कहाँ से होगा, क्या देखना रहता है, इन सब कंपनीज आगे चल के मेरा एंड गोल है, इन सब पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और आज से 5 साल बाद भाई मुझे पता है, आज मैं ये ऑफिस एक फ्लोर का ऑफिस का बात कर रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है भाई। आज से आप लोग देखना 2025-26 में देखना कि मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये पूरा बिल्डिंग है, मेरा पूरा बिल्डिंग है, इसका मैं आपको टूर दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का ब्लेसिंग्स चाहिए, मैं और आगे जाऊंगा, आप लोगों को और सपोर्ट दिखलाऊंगा। कमेंट करके बताना अगर आप लोग चाहते हो मेरा ट्रेडिंग जर्नी, मेरा लाइफ जर्नी के ऊपर वीडियो देखना, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये ऑफिस टूर कैसा लगा और ऑफिस का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा वो भी बताना, और कमेंट में ये बता देना भाई आप कुछ चाहते हो कि ऑफिस में चेंज, एक बार जरूर से बता देना। और सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, धर्मांतक चीजों को थोड़ा ज्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जाऊंगा, होप करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। कोई भी शो ऑफ नहीं था भाई, बहुत टाइम से आप लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे गाइस, एंजॉय योर डे और लाइफ में ग्रो करो गाइस, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।